महाराष्ट्र में इस समय सभी राजनीतिक दल अयोध्या जाने की होड़ में लगे हैं। हाल ही में हनुमान चालीसा विवाद के बाद से राज्य की सियासत में हिंदुत्व का मुद्दा गर्म हो गया है। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा विवाद में उलझे सभी राजनीतिक दल अब अयोध्या की ओर दौड़ पड़े हैं। 5 जून को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे अयोध्या जा रहे हैं, तो वही महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे भी 10 जून को राम की नगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं। और नई जानकारी के अनुसार अब अयोध्या जाने की होड़ में कांग्रेस भी शामिल हो गई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले भी जल्द ही आपको अयोध्या में नजर आने वाले हैं। मिली खबर के मुताबिक अयोध्या के दशरथ गद्दी के महंत ब्रिजमोहन दास ने नाना पटोले को अयोध्या आने का न्योता दिया है। महंत ने महाराष्ट्र कांग्रेस कार्यालय जाकर नाना पटोले से मुलाकात भी की, लेकिन अब तक नाना पटोले की अयोध्या यात्रा की तारीख तय नहीं हुई है। हालांकि कांग्रेस अब नामो निशान मिटने के कगार पर पहुंच चुकी है, लेकिन अयोध्या दौरे की बात से इतना तो स्पष्ट है कि कांग्रेस भी हिंदुत्व का चोला ओढ़ राम की भक्ति का बेड़ा उठाने वाली है। ये सब राजनीतिक हथकंडे सब पार्टी इसलिए अपना रहे ताकि हिंदुओं के दिल में एक सौम्य कोना बनाने की होड़ में कोई पीछे ना रहे। तो वही उत्तर प्रदेश के केसरगंज से बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण सिंह ने एक नया बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर भारतीयों से माफी मांगने के लिए राज ठाकरे को जो समय दिया गया था वो अब खत्म हो गया है। राज ठाकरे को अब तारीख बदलनी पड़ेगी। 5 जून तक उन्हें अयोध्या किसी भी कीमत पर घुसने नहीं देंगे। इस विषय पर ब्रिजभूषण सिंह को महाराष्ट्र से समाजवादी पार्टी के विधायक अब्बू आजमी का भी समर्थन मिल गया है। और ब्रिजभूषण सिंह लगातार हर जिले में लोगों को अपने अभियान में जोड़ने में लगे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण सिंह ने अपने कार्यक्रम में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को भी निमंत्रण दिया था, जिसे सपा का भी समर्थन इस अभियान में पूरी तरह से लग सके। वही योगी और राज ठाकरे की मुलाकात पर सवाल पूछे जाने पर सांसद जवाब देने पर आनाकानी करते नजर आए, जिससे इतना तो तय है कि महाराष्ट्र समेत उत्तर प्रदेश में भी बड़ा राजनीतिक भूचाल मच सकता है। खैर, ये तो राज ठाकरे के अयोध्या दौरे की तारीख को ही स्पष्ट हो पाएगा कि राजनीतिक क्षेत्र में क्या कुछ उथल पुथल मचती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एंटी करप्शन न्यूज़।